आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी और उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप लोगों को इस लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किसी तरह से क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं कुछ मतलब इस तरह से आप लोगों को कुछ वीडियोस बना के दूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीख सकें इस लॉकडाउन में भी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारा क्लास 12 का लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि उनका सिलेबस पूरा हो पाएगा कि नहीं, इस लॉकडाउन के कारण वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं तो कैसे उनका कंप्लीशन हो पाएगा। बहुत से नीट एस्पिरेंट्स जो हैं, जो नीट की तैयारियाँ कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कैसे हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो पाएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक वीडियोज़ अगर मेरा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपना पूरा हेल्प मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आए। ठीक है, तो हम लोग आज ही स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 का द फर्स्ट लेक्चर, द फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैं 11 का भी वीडियोस बना सकती थी लेकिन 11 का वीडियोस अभी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 12 का वीडियोस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। 12 के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं कि उनका सिलेबस पूरा हो पाएगा कि नहीं, वो अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन एटलीस्ट बोर्ड्स का प्रिपरेशन वो लोग कर पाएंगे कि नहीं। इवन वो CBSE सिलेबस के स्टूडेंट्स हो या बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हो या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगा हुआ है कि उनका बोर्ड्स प्रिपरेशन हो पाएगा कि नहीं। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 का सिलेबस। तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को पसंद भी आएगा ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग अपना पहले पुराना बेसिक्स देखेंगे जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स। थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ये सब कुछ टर्म्स आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अब हम लोग जब 12th का सिलेबस पढ़ेंगे तो 12th में थोड़ा सा स्पेशल सिलेबस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है, क्योंकि अगर आपका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो सिलेबस भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। तो NCERT ने काफ़ी सारे स्पेशल टर्म्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए हैं जिसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझा पाऊँ। ठीक है, तो हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही आपके NCERT बुक में दिया हुआ है सेकेंड लाइन में द लाइफ स्पैन। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन होता क्या है? तो जैसा कि नाम है, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब कि हम लोग कितने दिनों तक जिएंगे। ठीक है, अगर सिंपली हिंदी में अगर हम लोग बोले तो कितने दिनों तक हम लोग जी पाएंगे, ये है लाइफ स्पैन। अगर इसको हम लोग एक डेफिनेटिव टाइप से बोले तो द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे द पीरियड बिटवीन बर्थ टिल नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ ही क्यों कहेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर लाइफ स्पैन की बात करें हम लोग तो उसमें तो नेचुरल डेथ ही लेंगे ना। अगर एक कोई भी मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, 5 साल का है, 6 साल का है, अगर वो एक्सीडेंटली किसी तरह से डेथ कर गया हो तो वो उसका लाइफ स्पैन पूरा तो नहीं ना हुआ, हो सकता था कि वो और आगे तक जीता लेकिन उस एक्सीडेंट के कारण वो डेथ कर चुका है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए हम लोग एक्सीडेंटल डेथ्स को इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हमारा लाइफ स्पैन एक्चुअली में कहाँ से कहाँ तक होता है? हमारा लाइफ स्पैन बर्थ से लेकर के हमारे नेचुरल डेथ तक होता है, जब तक हम लोग जी पाएँ। हमारा लॉन्ग लास्टिंग मतलब कहाँ तक हमारा लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, हम लोग कब तक जियेंगे, तो ये है लाइफ स्पैन। अब इस लाइफ स्पैन में कुछ फेजेस होते हैं जो हम लोग फेस करते हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में। एक्चुअली में इस टॉपिक को हम लोग सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के लेवल से नहीं देखेंगे, हर एक ऑर्गेनिज़म्स के लिए ये टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना होगा कि हर एक ऑर्गेनिज़म के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के लिए, तो हर एक ऑर्गेनिज़म के लिए हम लोग चलेंगे लेकिन इसमें समझने के लिए हम लोग ह्यूमन बीइंग को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो फेजेस हमारे लाइफ स्पैन का, फेजेस क्या हो सकता है? एक्चुअली में अगर
हम लोग बोलने जाएं कि एक कैट या एक डॉग या एक काऊ वगैरह को लेकर के चले तो उनका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में थोड़े ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ ह्यूमन बींग को लेकर के हम लोग अपना डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या है डिटेल्स देख लीजिए। लाइफ स्पैन का जो फेजेस होता है, उन फेजेस में सबसे फर्स्ट नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, दैट इज जुवेनाइल फेज। ठीक है, नंबर वन जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल वर्ड, जो कि पहले भी आप लोग कभी सुने होंगे इस वर्ड को, जुवेनाइल, जुवेनाइल बचपना को लेकर के यूज़ किया जाता है टर्म। ठीक है, कई बार कुछ मतलब क्राइम क्या बोलते हैं, मतलब कुछ क्राइम सीन्स अगर होते हैं कि कहीं पर क्राइम घटता है, अगर उसमें कोई बच्चे इंक्लूड रहते हैं, मतलब कि एडोलेसेंसी से कम उम्र वाले बच्चे अगर इंक्लूड होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता है, बड़ों के जेल में नहीं भेजा जाता है, उन्हें किसी अलग कस्टडी में भेजा जाता है, जिसे हम लोग, जिसका नाम हम लोग सुनते हैं जुवेनाइल कस्टडी। ठीक है, तो ये वर्ड हम लोग वहीं से लेकर के आए हैं, जुवेनाइल। ठीक है, तो जुवेनाइल कस्टडी में भेजा जाता है, मतलब कि बच्चों वाले कस्टडी में भेजा जाता है, उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग समझ ही गए, आप लोग समझ ही गए होंगे जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। जुवेनाइल का मतलब एक तरह से हम लोग अगर लें तो बचपना। ठीक है, बचपना, छुटपन हमारा, मतलब हम लोग जो छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं उस टाइम का फेज, मतलब बिफोर द एडोलेसेंसी एज हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज का स्पेशलिटी क्या होगा? जुवेनाइल फेज का स्पेशलिटी होगा कि इसमें हम लोग कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उस टाइम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एडोलेसेंसी अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, मतलब दो तरह का टर्म्स इसमें इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो हमारा डेवलपमेंट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रैपिड गति से होता है, और दूसरा नो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है, या नो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ठीक है, ये हो गया जुवेनाइल फेज का कुछ स्पेशलिटी। अच्छा, जुवेनाइल फेज में डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड गति से होता है, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो हाँ, इस बात से आप लोगों को सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो जितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं उतना ज़्यादा तेज़ी से, और हम लोग आफ्टर एडोलेसेंसी ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में ग्रोइंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा रैपिड गति से होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो ग्रो करते हैं, लेकिन बड़े लोग उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते हैं, उनमें ग्रोथ का जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो एडोलेसेंसी के बाद का टाइम पीरियड रहता है, उसमें ग्रोथ हमारा स्लो डाउन हो जाता है, ना ख़त्म नहीं होता है, लेकिन स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फेज में हम लोग चलते हैं, द सेकेंड वन, दिस इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए प्यूबर्टी नाम से जानते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज में क्या होगा? सिंपली प्यूबर्टी एज में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसा कि फेज का नाम है वैसा ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। उस टाइम क्या होता है, एक्चुअली में अगर इस फेज को हम लोग कहें डिटेल में, तो दिस इज द फेज ऑफ एडोलेसेंसी। ठीक है, एडोलेसेंसी का फेज है, या एडोलेसेंसी के बाद का फेज है, जब हम लोग जवान हो जाते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंसी के फेज में क्या खासियत रहती है, हम लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो थर्ड वन फेज करेंगे, तो ये फेज हो जाता है हमारा, द थर्ड वन इज सिंपली द एजिंग। ठीक है, एजिंग, एजिंग क्या है? एजिंग एक तरह से आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि एजिंग मतलब स्लो डाउन हो चुका है, मतलब कि जो प्रोसेसेस है वो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिंस कि दिस इज़ अ कंटिन्यूअस टर्म, एजिंग इज़ अ कंटिन्यूअस टर्म, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये टर्म हो रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, एजिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब कि हम लोग एज कर रहे हैं, होता है ना, हम लोगों का एज तो कभी रुकता नहीं है, हमारा एज तो कंटिन्यूअस चल ही रहा है, इवन ये कोरोना काल हो या नॉर्मल काल हो, हम लोग एज कर ही रहे हैं, हम लोग मतलब कि पिछले साल से अब तक साल डेढ़ साल
आगे ही बढ़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग का एज रुक चुका है उसी टाइम जहाँ कोरोना स्टार्ट हुआ था, वहीं पर हम लोग रुक गए। नहीं, हम लोग चल ही रहे हैं, हमारा लाइफ चल ही रहा है, हम लोग एज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो एजिंग हमारे अंदर चल ही रहा है। तो एजिंग क्या है? एजिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। हम लोग हमेशा एज करते रहते हैं, लेकिन हाँ, कई बार हम लोग किसी इंसान को देख के कहते हैं कि वो काफ़ी एजड दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बूढ़ा हो चुका है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो अब उसका एज आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा एज उसका, ठीक है। तो ये होता है द एजिंग। एजिंग का मतलब है कि हम लोग कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि बस हमारा जो ग्रोथ का मतलब जो क्या बोलते हैं, थोड़ा कम हो जाता है स्पीड, ग्रोथ का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है एजिंग वाले टाइम में, लेकिन ग्रोथ तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्टली है द फोर्थ वन इज सेनेसेंस। सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या है? सेनेसेंस और एजिंग में ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। सेनेसेंस एक सिंपल सा टर्म है जिसको हम लोग अगर हिंदी में बोले तो बुढ़ापा आ जाना, ठीक है। बुढ़ापा आ जाना मतलब कि उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली सीज हो जाती है, मतलब कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सेनेसेंस का एज हर एक इंसान में आता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में आता है सेनेसेंस का एज, ठीक है। और सेनेसेंस एज होता क्या है? सेनेसेंस एज होता है एक्चुअली में अगर हम लोग हिंदी में बोले तो बुढ़ापा, सिंपल से लैंग्वेज में। और उसे अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द एज इन विच द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर टोटली स्टॉप्ड, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टॉप्ड, ये हो गया द सेनेसेंस। तो सेनेसेंस के लिए हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स को लें तो ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों का ही अलग अलग सेनेसेंस एज होता है। आप लोग जानते हैं कुछ एक टर्म्स आप लोग पुराने टॉपिक में पढ़े होंगे, मेनोपॉज बोल के टर्म था फीमेल्स के लिए कि उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, ठीक है। और मेल्स में भी कुछ एक 50-55 ईयर्स का एज रहता है जो सेनेसेंस एज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग द लास्ट टर्म में चलते हैं, लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन हमारा वो क्या होता है आप लोग इजीली बता सकते हैं, दैट इज डेथ, ठीक है। द फिफ्थ वन इज डेथ। तो डेथ होता क्या है? डेथ एक्चुअली में होता है द कंप्लीट सेसेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब कि बॉडी एक्टिविटीज का कंप्लीटली रुक जाना, ठीक है, कंप्लीटली रुक जाना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द कंप्लीट सेसेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, ठीक है। कंप्लीट सेसेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज मतलब कि पूरे बॉडी एक्टिविटीज का कंप्लीटली रुक जाना। मतलब कि क्या होता है? अगर हम लोग कहें कि एक कोमा पेशेंट डेथ के पोजीशन में नहीं है, तो क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो हाँ, एकदम सही बात है ये, क्योंकि उस कोमा पेशेंट के सारे बॉडी एक्टिविटीज कंप्लीटली सीज नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली सीज नहीं होते हैं। एक्चुअली में उस कोमा पेशेंट का कुछ ना कुछ इंटरनल ऑर्गन काम करता रहता है, ठीक है, काम करता रहता है। एक्चुअली में उसका कौन सा ऑर्गन काम करता रहता है? दैट इज इट्स मतलब उसका हार्ट, ठीक है, हार्ट काम करता है मेनली करके। सिंस कि हार्ट काम करता है इसलिए वो वेंटिलेटर पर भी जिंदा रहता है, उसका एवरी टाइम पल्स रेट वगैरह चलता रहता है, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ये सब चलता रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये कोमा पेशेंट कभी भी डेथ की अवस्था में नहीं है, डेथ के फेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कंप्लीट बॉडी एक्टिविटीज़ सीज नहीं हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। और यही अगर हम लोग डेथ का पोजीशन बोले तो डेथ का पोजीशन क्या है कि उसमें कंप्लीट सेसेशन मतलब कंप्लीट सीजिंग आ गया पूरे बॉडी एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है द टॉपिक क्या हम लोग इमॉर्टल हैं या इमॉर्टल हैं। एक वर्ड है आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन, दैट इज मॉर्टल और इमॉर्टल, मॉर्टल
और इमॉर्टल। क्या होता है ये मॉर्टल और इमॉर्टल? दो वर्ड्स हैं। मॉर्टल मीन्स कि जो जन्म लिया वो डेथ भी करेगा आगे चल के, ठीक है, मतलब उसका एक कंप्लीट लाइफ स्पैन है, ठीक है। और यही इमॉर्टल का मीनिंग क्या है? इमॉर्टल का मीनिंग जो जन्म लिया वो डेथ नहीं कर रहा है, ठीक है। जन्म तो लिया लेकिन उसका डेथ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इमॉर्टल। तो क्वेश्चन अराइजेस एज द इज एनी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल इन द अर्थ, मतलब क्या कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर इमॉर्टल हो सकता है? तो इसका आंसर है येस, दिस इज ट्रू, हो सकता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे मतलब कि आसानी से देख सकते हैं, ऐसा वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डेवलप्ड होगा तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म मॉर्टल भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो बर्थ लिया है तो वो मॉर्टल भी हो, मतलब सॉरी वो डेथ भी उसका होगा, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा? वो कहलाएगा मॉर्टल ऑर्गेनिज्म। लेकिन इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम लोग जाएं तो वो एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज द ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर्स के बारे में आप लोग पुराने टॉपिक में जानते होंगे, पुराने क्लासेस में पढ़े होंगे। यूनिसेलुलर्स का फीचर्स ही होता है कि वो क्या करते हैं, वो जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, जब वो डेवलप कर जाते हैं, तो वो आगे चल के दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं, दो या कई सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये वाला जो मदर सेल था ये डेथ हो चुका है, ऐसा तो नहीं होगा। ये मदर सेल ही दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है या कई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये मदर सेल मरा नहीं लेकिन आगे चल के फर्दर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यही वो ऑर्गेनिज्म है, यही वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कभी भी मॉर्टल नहीं होते हैं इस अर्थ पर, ये हमेशा इमॉर्टल फेज में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्टली पढ़ेंगे दैट इज द एवरेज लाइफ स्पैन एंड द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। क्या होता है एवरेज लाइफ स्पैन? मैक्सिमम लाइफ स्पैन, देखिए एवरेज लाइफ स्पैन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एवरेज लाइफ स्पैन वो लाइफ स्पैन है जिसमें हम लोग मीन वैल्यू देखते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू देखते हैं किसी भी एक स्पेशीज का, मीन वैल्यू देखते हैं कि वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन कितना हो सकता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर स्पेशीज का मैक्सिमम मतलब कि कितना उसका मीन वैल्यू हो सकता है जिंदा रहने का, ठीक है, लाइफ स्पैन कितना हो सकता है। तो इसको हम लोग एक सिंपल डेफिनेटिव टाइप में क्या लिखेंगे, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ अ स्पेशीज इन एन एरिया, मीन वैल्यू ऑफ अ स्पेशीज ऑफ एन एरिया, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे सकते हैं, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, देखिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कई एक जगह ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ, अगर हम लोग ह्यूमन स्पेशीज को लेकर के चलें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को लेकर के, अगर ह्यूमन लाइफ को लेकर चलें तो ह्यूमन लाइफ का किसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो जीवित रह सकता है, रहने का पोजिशन रहता है, किसी जगह पर काफ़ी कम समय तक वो जीवित रह सकता है, मतलब कि उसका लाइफ स्पैन कहीं पर काफ़ी ज़्यादा सालों तक हो सकता है, कहीं पर काफ़ी कम सालों तक हो सकता है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में ह्यूमन बीइंग्स का मतलब कंप्लीट लाइफ स्पैन मतलब एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 70 साल के करीब बताया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ के 70 साल तक जीवित रहते हैं, ठीक है, कुछ बेसी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब मैक्सिमम वहाँ के पीपल जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो 70 साल तक
जीवित रहते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में मतलब ज़्यादातर लोगों का लाइफ स्पैन 50 से 55 साल है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जिस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं उस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं द एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। अगर हम लोग की इंडिया में मान लीजिए कि 100 लोग थे, 100 लोगों में अगर मान लीजिए कि 20 लोग 40 साल तक जिए, 80 लोग 70 लोग 50 साल तक जिए और 10 लोग 30 साल तक जिए, तब हम लोग एवरेज क्या कहेंगे, एवरेज इस इंडिया का क्या आया, एवरेज आया 50 साल, क्योंकि 50 साल कितने लोग जिए, 70 लोग जिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाइफ स्पैन कितना था, 50 साल था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। अब हम लोग मैक्सिमम लाइफ स्पैन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पैन में अगर हम लोग चलें तो उसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्पेशीज एक पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमली कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमली मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कितने दिनों तक वो जिंदा रह सकता है किसी भी एरिया में। तो हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का सबसे मैक्सिमम लाइफ स्पैन देखा जाता है जापान में, ठीक है, जापान में देखा जाता है, क्योंकि जापान में लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं और वो मतलब कि मैरिज ही नहीं करते हैं। जापान एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एरिया है, ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वहाँ पे जा रहा है और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं। और एक्चुअली में अगर एक आंसर करें हम लोग ह्यूमन बींग को लेकर के, तो एक लेडी थी जो कि जापान की ही थी, वो लगभग 137 ईयर्स तक जीवित रही थी, ठीक है, 137 ईयर्स तक। तो 137 ईयर्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, तो इसीलिए इसको कहा गया मैक्सिमम लाइफ स्पैन, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहाँ पे देखा गया था ह्यूमन बींग्स के लिए, जापान में देखा गया था, ठीक है। और आज के डेट में भी जापान में ही देखा जाता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइफ स्पैन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है रिप्रोडक्शन। अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग अपने छोटी क्लासेस को लेकर के आंसर कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द न्यू स्पेशीज आर बॉर्न, ठीक है, ऐसा एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। लेकिन सिंस कि हम लोग का थोड़ा सा डिटेल है इस क्लास में, 12th क्लास में, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आंसर करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अ न्यू यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, देखिए, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या अभी बताएं हम आप लोगों को कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू न्यू यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स फॉर विच प्रोसेस मतलब फॉर क्या उसका कारण हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, ऐसा क्यों जरूरी होता है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स स्पेशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सिंपल सा आंसर है कि रिप्रोडक्शन में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए यंग वंस को मतलब राइज किया जाता है, और साथ ही साथ क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स स्पेशीज जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन के फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। देखिए रिप्रोडक्शन के अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो इसके तीन फीचर्स हैं। सबसे पहला सेल डिवीजन, ठीक है, सबसे पहला सेल डिवीजन। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ सेल अपार्टस, ठीक है, सेकेंड है डुप्लीकेशन ऑफ सेल अपार्टस, और द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव
यूनिट, ठीक है। थ्री टर्म्स हैं, थ्री फीचर्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हम लोग को काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन सिंपल वे में ज़रूरी है पढ़ना। क्या है वो भी देख लीजिए इन तीनों को। सबसे पहला द सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न चैप्टर आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल डिवीज़न चैप्टर आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं इसके बारे में, सेल डिवीज़न में हम लोग टर्म्स पढ़े थे कि सेल डिवीज़न इज ऑफ थ्री टाइप्स, एक था द माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस, ये सारा टर्म्स हम लोग पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्लास में भी हम लोग को थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा एक सिंपल वे में। देखिए हम लोग जब सेल डिवीज़न में पढ़े थे तो उसमें दो तरह का टर्म सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े थे, दैट इज द माइटोसिस एंड द मियोसिस। माइटोसिस में होता क्या था, माइटोसिस में हमेशा जब सेल डिवाइड करता है तब उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते थे, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाते थे, इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग इक्वेशनल प्रोसेस कहते थे, ठीक है, इक्वेशनल प्रोसेस, और इक्वेशनल डिवीज़न कहते थे, ठीक है। तो जब माइटोसिस होता है सेल डिवीज़न में, जब माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होता है सेल्स में फॉर द रिप्रोडक्शन, तो हम लोग उसको कहते हैं द इक्वेशनल डिवीज़न। और यही अगर मियोसिस होता है तो मियोसिस में हमेशा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, ठीक है, मियोसिस में हमेशा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग हमेशा कहते हैं द रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है, द रिडक्शन डिवीज़न। और यही बात हम लोग मतलब इस चैप्टर में कंटिन्यूसली पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन में जो टर्म्स माइटोसिस एंड मियोसिस आता है वो क्या है डिवीज़न को लेकर के। माइटोसिस डिवीज़न हमेशा छोटे टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होगा, हमेशा उसमें आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम क्रोमोसोम्स का डिवीज़न हो रहा है, क्रोमोसोम सेम टू सेम जा रहा है बेबीज में, तो हमेशा उसमें आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। लेकिन यही अगर मियोसिस की बात करें हम लोग तो मियोसिस में हमेशा देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है, मियोसिस में हमेशा वेरिएशन इंक्लूड हो जाता है। तो ये सब हम लोग टर्म्स इस रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला थिंग आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, दैट इज सेल डिवीज़न। दूसरा टर्म है डुप्लीकेशन ऑफ सेल अपार्टस। डुप्लीकेशन ऑफ सेल अपार्टस का मीनिंग भी आप समझ ही गए होंगे, सेल के अंदर का जो डीएनए आरएनए वगैरह टर्म्स जो रहता है जो कि आगे ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा डुप्लीकेट होता है, ठीक है, हमेशा वो ट्रांसफ़र होने का काम चलता रहता है अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो। और यही हम लोग थर्ड टर्म में आ जाएं, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, तो ये भी ज़रूरी है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी बनना तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट जब तक नहीं बनेगा तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन का। तो ये हो गया हमारा ऑल ओवर द रिप्रोडक्शन टॉपिक। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे और अब इस टॉपिक को हम लोग और भी अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस टॉपिक को।